आज हम डिस्कस करेंगे ट्री। ट्री हमारी किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ए डाटा स्ट्रक्चर इज सेट टू बी लीनियर इफ इट्स एलिमेंट फॉर्म ए सिक्वेंस। अगर एलिमेंट आपके कैसे होते हैं, सिक्वेंस में होते हैं, तब हम उसको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट को डिस्कस करा है, वो हमारा किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है? लीनियर। और ए डाटा स्ट्रक्चर इज सेट टू बी नॉन लीनियर इफ द एलिमेंट फॉर्म ए हायरार्की क्लासिफिकेशन। हायरार्की का मीनिंग क्या है? जैसे कि एक पोजीशन टॉप पर है, देन नेक्स्ट लेवल पर है, देन उसके नेक्स्ट पे है। जैसे कि आपके ट्री में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, उसके बाद उसके सब चाइल्ड है, देन सब चाइल्ड है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? हायरार्की में है। वेयर द डाटा एलिमेंट अपीयर एट द वेरियस लेवल। ट्रीज एंड ग्राफ हमारा किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इट रिप्रेजेंट इन द हायरार्की रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट। ग्राफ्स भी ऐसे हैं, बट ग्राफ्स आर नथिंग बट ट्री विद द सर्टेन रिस्ट्रिक्शन रिमूव। अब हमारे पास क्या है, ट्रीज को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एक स्पेशल केस में करते हैं। या देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ट्री नहीं होगा। ट्री में हमेशा क्या रहता है कि देयर इज अ नोड रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ लिंक दैट कैन बी एंटर एंड लीव ए नोड एंड साइकिल मे बी प्रेजेंट इन द ग्राफ। वहां पर ग्राफ में एक साइकिल हो सकती है, बट ए ट्री एंड ए नॉन ट्री। नॉन ट्री में कभी भी हमारे पास ट्री में कभी भी साइकिल नहीं होती है। ट्री हमारा क्या होता है? पॉपुलर डाटा स्ट्रक्चर है जो वाइड रेंज एप्लीकेशंस में हम यूज करवाते हैं। ट्रीज इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच ऑर्गेनाइज डाटा इन हायरार्की स्ट्रक्चर। दिस इज द रिकर्सिव डेफिनेशन। ये हमारी मेन डेफिनेशन होती है। ट्री में क्या हम डिफाइन करवाते हैं? फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड। एक सेट हो सकता है जिसमें एक या एक से ज्यादा नोड हो, लाइक देयर आर ए बी सी डी ई F, G, H, I, J, K, these all are the node. तो ट्री में हमारे क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा नोड हो सकते हैं। अब ये देखिए कि ये ट्री का एक क्या है? सब ट्री है। ये E, I, J एक सब ट्री है, C, G, H, K एक सब ट्री है। तो ट्री क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है मैनी सब ट्रीज का भी। ए ट्री इज हायरार्की कलेक्शन ऑफ नोड। वन ऑफ द नोड इज नोन एज ए रूट। जो आपकी स्टार्टिंग नोड है ना, सबसे पहले वो हमारी क्या होगी? रूट नोड होती है। और उस रूट नोड से ही हमारे क्या होते हैं? बाकी सभी नोड्स कनेक्ट होती हैं। किसी भी वे में हो सकती हैं, लाइक पेरेंट हो सकता है रूट नोड उसका, या हम ये बोल सकते हैं ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं क्योंकि ये इसके सब चाइल्ड हो जाते हैं। इसी तरह से हमारा रूट में क्या होता है? ईच चाइल्ड नोड इज इटसेल्फ द रूट ऑफ ए सब ट्री। एट द बॉटम ऑफ द ट्री, बॉटम में जो भी दी हुई है नोड जिनके फर्दर चाइल्ड नहीं होते वो क्या होती हैं? लीफ नोड होती हैं। जिनके चिल्ड्रन नहीं होते वो हमारे क्या होती हैं? लीफ नोड होती हैं। ट्रीज क्या होती है? रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है एक डाटा में। ट्रीज आर यूज टू रिप्रेजेंट द हायरार्की। ट्री कैसे रिप्रेजेंट होती है? एक हायरार्की में रिप्रेजेंट होती है। इसके लिए हमें एफिशिएंट इंसर्शन और सर्चिंग यहाँ पर परफॉर्म करवाते हैं। और ट्रीज आर वेरी फ्लेक्सिबल डाटा। ट्रीज हमारा किस टाइप का डाटा है? फ्लेक्सिबल डाटा है। एंड मूव सब ट्री अराउंड द मिनिमम इफेक्ट। यहाँ पर हम सब ट्रीज को मूव कर सकते हैं मिनिमम इफेक्ट से। देखिए, ये ट्रीज है, यहाँ पे बहुत सारी नोड है। कौन कौन सी है? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जहाँ पर जो लिंक है ट्रीज में, एजेस होती हैं, ए और सी को कनेक्ट करने में जो लाइन यूज हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? एजेस। अगर यहाँ पर एन नोड है, लेट्स सी एन नोड है, तो एजेस कितनी होंगी? एन माइनस वन होंगी। लाइक यहाँ पर देखिए, 11 नोड्स हैं टोटल, ए बी सी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एजेस कितनी यूज हो रही हैं? ए टू बी 1, ए टू सी 2, बी टू डी 3, 4, बी टू एफ 5, ई टू आई 6, ई टू जे 7, सी टू जी क्या हो जाएगी? 8। एंड ये हमारी क्या हो जाएगी? सी टू एच 9 एंड एच टू सॉरी जी टू के हमारी क्या हो जाएगी? 10। तो
तो यहाँ पर एजेस कितनी होंगी, 10। कोई भी ट्री है अगर उसमें एन नोड है तो वहां पर एजेस कितनी होंगी, एन माइनस वन। और ट्रीज के हर एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोला जाता है। ट्री में ए है, बी है, सी है, डी ई एफ जी एच आई जे के कोई भी एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, हम नोड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कुछ एक ट्री दिया हुआ है, ए इसका क्या है, रूट है ना, ये क्या है इसका रूट है। और एजेस क्या है इसकी, ए बी से कनेक्ट है, ए सी से, ए डी से, ये क्या हो जाएंगी इसकी एजेस हो जाएंगी। इन द ट्री डाटा स्ट्रक्चर द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड द रूट नोड एंड एवरी ट्री मस्ट हैव ए रूट नोड। कोई भी ट्री विदाउट रूट नोड नहीं हो सकता। वी कैन से द रूट नोड इज द ओरिजिन ऑफ द, ये ओरिजिन है। अगर किसी भी ट्री में कोई रूट नोड नहीं है तो वो ट्री ही नहीं है। तो हर ट्री में एक रूट नोड होना कंपलसरी है। और एजेस क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जो आपस में एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करती है वो एजेस होती है। किसी भी ट्री में अगर एन नोड है तो वहां पर एन माइनस वन एजेस होंगी। पेरेंट नोड क्या होती है, लाइक ए इज ए पेरेंट ऑफ बी सी एंड डी। बी सी डी क्या है, चाइल्ड है, और इनका पेरेंट क्या है, ए है। लाइक ई और एफ चाइल्ड हैं तो इनका पेरेंट क्या है, बी। जो उससे कंडक्ट हुए हुए हैं उसके सब चाइल्ड हैं, उसके सॉरी उसके चाइल्ड हैं, वो उसके क्या हो जाएंगे, पेरेंट नोड। तो यहाँ पर पेरेंट नोड क्या है, सी पेरेंट नोड है तो सी का चाइल्ड क्या है, जी। डी पेरेंट नोड है तो उसका चाइल्ड क्या है, एच आई जे। और ई अगर पेरेंट नोड है तो उसका चाइल्ड क्या है, के एंड एल। चाइल्ड कौन कौन से हैं, जिसके फादर चाइल्ड नहीं होते। यहाँ पर देखिए के, वैसे तो चाइल्ड सभी नोड है, यहाँ पर जो दी हुई है ये सभी नोड है, बट यहाँ बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम चाइल्ड आर ऑल। बट जो लीफ नोड है वो कौन कौन सी है, के एल एफ, जिनके फादर चाइल्ड नहीं है। के का फादर चाइल्ड नहीं है, एल का फादर चाइल्ड नहीं है, एफ का नहीं है, जी का नहीं है, एम का नहीं है, आई और जे, ये सभी हमारी क्या हो गई, लीफ नोड। और इंटरनल नोड कौन सी होती हैं, जिनके चाइल्ड होते हैं वो इंटरनल नोड, बी सी डी ई एच, ये हमारी क्या है, इंटरनल नोड है, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरनल नोड हो जाएंगी। ये देखिए इंटरनल नोड बता रखी है ना, इंटरनल नोड कौन सी है, लीफ नोड। डिग्री, डिग्री होती है नंबर ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर देखिए ए की कितनी डिग्री है, ए की डिग्री कितनी है, थ्री है ना। बी सी डी इसके कितने चाइल्ड है, तीन चाइल्ड है। आगे बी की डिग्री पूछी जाए तो बी की डिग्री क्या है, टू है, क्योंकि इसके चाइल्ड कितने हैं, ई और एफ। ई की डिग्री कितनी है, टू, इसके दो चाइल्ड है, के एंड एल। डी की डिग्री कितनी है, तीन है, एच आई जे, तीन चाइल्ड है। एच की डिग्री कितनी है, वन है, वन चाइल्ड है। और एफ जी के एल जो लीफ नोड है, इन सब की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि इनके कोई भी फादर चाइल्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सिबलिंग। सिबलिंग क्या होते हैं, लाइक बी सी एंड डी, ये सिबलिंग है क्योंकि इनके सेम पेरेंट है ए। तो सिबलिंग क्या है, ई और एफ सिबलिंग हो गए, एच आई जे सिबलिंग होगी क्योंकि इनके पेरेंट क्या है, डी। जिनके पेरेंट सेम होते हैं, दीज नोड आर कॉल्ड द सिबलिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो यूज होती हैं किसी भी, हमें क्या पता होना चाहिए, रूट क्या है, इंटरनल नोड क्या होती हैं, लीफ नोड क्या होती है, डिग्री क्या होती है, एजेस क्या होते हैं और सिबलिंग क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए कोई भी ट्री को क्रिएट करने से पहले। तो नेक्स्ट है हमारा लेवल। लेवल क्या होता है, ट्री का लेवल हमें क्या बताता है कि ट्री का किस लेवल पे, लाइक सबसे पहले रूट नोड है तो वो क्या है ट्री, रूट नोड है जहाँ पर वो क्या है ट्री, वो लेवल जीरो है। बी सी डी लेवल वन पर है। इस तरह से हम इसके लेवल को बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है,
if tree data structure root is set to the level 0, the child of root node at level 1 and child of node which are the level 1 will be the level 2 and so on. In simple word, a tree each step from top to bottom is called the level. Level हम कहाँ से count करते हैं? 0 से count करना start करते हैं और हम up to जितनी भी उसके level होते हैं. Height क्या होती है? हाइट होती है हमारी टोटल नंबर ऑफ एजेस जो हमारी लीफ से लेकर रूट तक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ए नोड. लाइक ये देखिए यहाँ पर क्या है, 1, 2, B और E, E और K. तो ये क्या हो गई? 3 इसकी क्या हो गई बच्चे? हाइट हो गई. कोई भी इसका है, इसकी हाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिससे हमारे लीफ नोड से लेकर हमारे रूट नोड तक जितना भी हमें वे लगा जाने के लिए, जितने भी एजेस हमने यूज करे, वो हमारी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी. नेक्स्ट क्या दिया हुआ? पाथ. पाथ क्या है कि एक नोड से दूसरे नोड में जाने के लिए हम जो पाथ फॉलो करते हैं वो हमारा क्या होता है. लाइक मुझे ए टू जे पे जाना है तो मेरे पास कितने पाथ है एक से जे पे जाने के लिए? देखिए, ए से जे मैं कैसे जा सकती हूँ? सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ए टू बी, देन मैं कौन से उस पे जाऊंगी? बी टू ई पे, और देन ई टू जे पे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पाथ बिटवीन ए और जे. ऐसे ही अगर मैं सी से के बीच में जा रही हूं तो सी से के बीच में जाने के लिए मुझे कौन से पाथ को फॉलो करना पड़ेगा? कौन से पाथ को फॉलो करेंगे आप? सी. सी से कहां जाएंगे? जी पे. और जी से हम कहां जाएंगे? के पे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पाथ. हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट, सब ट्री. सब ट्री क्या होते हैं? एक रूट नोड के जो सब पार्ट्स होते हैं, लाइक ये हमारा क्या हो गया? एक सब ट्री हो गया. बी. बी इसका रूट हो गया. बी के फदर चाइल्ड हो गए. देन ई. बी एक सब ट्री है क्योंकि ई के भी हमारे पास फदर चाइल्ड दिए हुए हैं. ट्री की रिप्रेजेंटेशन देखिए. ट्री डाटा स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंट इन टू मेथड. दोज मेथड आर लिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंड लेफ्ट राइट चाइल्ड सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन. लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? यहाँ हमें कोई ट्री दिया हुआ है, उसके साथ में लिस्ट में कनेक्ट होना. लाइक ए. ए मेरा किससे कनेक्ट है? बी से. और बी आगे, बी के सिबलिंग क्या है? बी के सिबलिंग क्या है? सी एंड डी ना. तो लिस्ट में हम कनेक्ट होंगे तो बी हमारा किससे कनेक्ट होगा? सी और डी से कनेक्ट होगा. ये देखिए, ये सी और डी से कनेक्ट है. ऐसे ही हम क्या करेंगे, लिस्ट में एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ट्री की. तो लिस्ट वाइज हम ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक रूट नोड लेंगे, उसके बाद एक सेकंड में बी से कनेक्ट हो गया. बी सी एंड डी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. बी एक लिस्ट हो गई, बी से ई एफ कनेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट सी से जी कनेक्ट होगा और डी से एच आई जे होंगे क्योंकि ये सिबलिंग एक ही लेवल पे हैं, तो हम उनको एक ही लेवल पे कनेक्ट करवाएंगे. ये देखिए, एच आई जे हमारे एक ही लेवल पे कनेक्ट हुए. ई का फदर चाइल्ड ई से कनेक्ट हो गया एच का. ये देखिए, ए. ए हमारा रूट नोड था, उसका लिंक क्या है? लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बी. बी के आगे फदर चाइल्ड है, लेकिन बी के साथ साथ बी के सिबलिंग को हम क्या करेंगे? बाद में लेंगे. पहले हम क्या करवा देंगे इसके? ई. ई इसका सब चाइल्ड है. आगे हमारे क्या दिया हुआ है? ई के बाद हमें क्या दे दिया लिस्ट प्रेजेंटेशन में? के और एल. एफ एंड सी क्या हो जाएगा? सी के भी फदर चाइल्ड था जी. डी. डी के फदर चाइल्ड था एच. एच के आगे फदर चाइल्ड था एम. और हमारा आई जे. आई जे हमारा किसका फदर चाइल्ड था? डी का चाइल्ड था. क्यों? देखिए, यहाँ से डी स्टार्ट हुआ तो डी का जो सब ट्री है वो कैसे फॉलो हो रहा है? डी के सब ट्री की, यहाँ पर मैं डी के सब ट्री की आपको रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ. तो डी एच से कनेक्ट है, एच आगे एम से है, और ये आपस में आई जे भी डी से कनेक्ट है. ये देखिए, डी ब्रैकेट स्टार्ट एच
एच का फादर चाइल्ड ब्रैकेट में एम एंड आई जे, ये देखिए ये सभी है तो चाइल्ड इसी के डी के, बट यहाँ पर क्या फॉलो किया जा रहा है, पहले एच को एम का चाइल्ड है, डी का चाइल्ड क्या है एच आई एंड जे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको फॉलो करवाया जा रहा है। और हमारे पास लेफ्ट एंड राइट सब ट्री रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करवाते हैं, कोई भी ट्री दिया हुआ है तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं। लाइक ए रूट नॉट थी, ए का चाइल्ड क्या था बी, बी का सिबलिंग क्या थे सी और डी, ये एक ही लिस्ट में आ गए, एक ही लेवल पर शो करवा दिया, इन्होंने इसके साथ कनेक्ट करवा दिया। देन सी का एक ही चाइल्ड था जी, ये सीधा कनेक्ट रहेगा, और देन बी, बी के चाइल्ड क्या है ई और एफ, ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ई के चाइल्ड क्या है के और एल, ये यहाँ से ना कनेक्ट होकर सिबलिंग को एक साथ रिप्रेजेंटेशन करवाना, ये हमारा क्या है लेफ्ट एंड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन।